आपका गबरू। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग जानते हैं आपके फेवरेट स्टार, हाँ दोस्तों आपके फेवरेट हैंडसम डैशिंग गुड लुकिंग स्टार, दोस्तों आपके फेवरेट राजेश जी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों राजेश कुमार, जिन्हें आपने कई कॉमेडी शोज़ में देखा है, दोस्तों हाँ दोस्तों जिन्हें आपने कई कॉमेडी शोज़ में देखा है और जिन्हें आप बहुत जल्द ही देखने वाले हैं दोस्तों एक नए कॉमेडी शो में, जिसका नाम है एक्सक्यूज़ मी मैडम, हाँ दोस्तों जो बहुत जल्दी स्टार पे आने वाला है दोस्तों, हाँ दोस्तों। पर क्या आप स्टार भारत में आने वाला है दोस्तों, पर क्या आप लोगों को पता है दोस्तों आपके फेवरेट एक्टर जो अभी एक्सक्यूज मी मैडम में आने वाले हैं दोस्तों, आपको पता है क्या हो गया उनके साथ? हाँ दोस्तों, उनके साथ हो गया वही जो आजकल बड़े से बड़े अभिनेता को, बड़े से बड़े नेता को किसी को नहीं छोड़ रहा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट राजेश जी को भी हो गया है दोस्तों कोरोना, हाँ दोस्तों और राजेश जी संक्रमित हो गए हैं कोरोना से और उनके वो बहुत परेशान है दोस्तों, और वो उनके उनके सिम्टम में उनके जब सिम्टम आए दोस्तों, उन्होंने रिपोर्ट कराई दोस्तों, तो उनके रिपोर्ट में राजेश जी पॉजिटिव निकले दोस्तों, और जब राजेश जी कोरोना पॉजिटिव निकले दोस्तों तो वो बहुत घबरा गए दोस्तों, और उनके उन्हें उनके जब सिम्टम देखे दोस्तों तो उनके ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, तो वो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हुए हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेकर्स ने ये भी बताया दोस्तों कि अब उन्हें शो की शूटिंग रोकनी पड़ी है, क्योंकि जब शो का मेन लीड ही दोस्तों शो के मेन लीड को ही हो जाएगा कोरोना, तो कैसे बनेगा शो? हाँ दोस्तों, तो शो के मेकर्स ने बताया जो है दोस्तों कि विनय फरकोली ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे सेट को अच्छे से सैनिटाइज कराया है दोस्तों, और 3 दिन के लिए उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी है, जो गाइडलाइन है दोस्तों। गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी भी नाटक के सेट पर किसी को भी हो जाएगा कोरोना तो रोकनी पड़ेगी शूटिंग और पूरा सेट होगा सैनिटाइज। हाँ दोस्तों, तो पूरा सेट क्या गया सैनिटाइज, और आपके और मेरे फेवरेट उस शो के मेन लीड यानी कि एक्सक्यूज मी मैडम के मेन लीड को राजेश कुमार जी को कर दिया दोस्तों होम क्वारंटाइन। हाँ दोस्तों, राजेश जी घर में ही रह रहे हैं 14 दिन। हाँ दोस्तों, तो आपके और हमारे फेवरेट राजेश जी जल्दी से सही हो जाए दोस्तों, और जब वापस से काम पे आना शुरू करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये कोरोना तो किसी को नहीं छोड़ता दोस्तों, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, अब वो कोरोना घुसता 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 पहुंच गया है राजेश जी तक भी। हाँ दोस्तों, तो यही राजेश कुमार जी जिन्होंने कई कॉमेडीज़ की और आप लोगों को बहुत हंसाया, हाँ दोस्तों, और जिन्हें आपने अधिकतर सोनी सबके अधिकतर नाटकों में देखा है दोस्तों, पर आप उन्हें देखने वाले थे एक्सक्यूज मी मैडम में, पर उससे पहले ही हो गया राजेश जी को कोरोना। तो दोस्तों हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी सही हो राजेश कुमार और पहुँचे अपने सेट पर, ताकि दोस्तों हम जल्दी से उनका शो देख सकें। हाँ दोस्तों, राजेश कुमार की बात तो मैंने आपको बता दी, पर उनके सेट पर यानी कि एक्सक्यूज मी मैडम के सेट पर और भी लोगों की कराई गई है दोस्तों कोरोना की रिपोर्ट। हाँ दोस्तों, उनके सेट पर और भी कोरोना की रिपोर्ट कराई गई है दोस्तों, जिससे हमें पता पड़ेगा कि और भी सितारे सही हैं या नहीं है दोस्तों। तो जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं आप लोगों को जल्द ही बताने आऊँगा दोस्तों, तो तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।